अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन नूडल्स की रेसिपी। अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके नूडल्स बन के रेडी होंगे, बिल्कुल स्टिकी नहीं होंगे और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वेसल में ले लेंगे हम 1.5 से 2 लीटर पानी, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल, और इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। जब तक इसमें बॉईल आ रहा है तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है, इसके छोटे छोटे पतले पतले पीसेस कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, और आधा टी स्पून नमक डाल देंगे, आधा टी स्पून डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, 1 टी स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टी स्पून डाल देंगे इसमें हम डार्क सोया सॉस, और 1 टी स्पून डाल देंगे रेड चिली सॉस। अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और रख देंगे इसे हम 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन के लिए। और इधर देखिए पानी में उबाल आ चुका है, तो इसमें हम डालेंगे अब नूडल्स। तो 250 ग्राम मैंने नूडल्स लिया हुआ है, और अभी से मीडियम फ्लेम पे हम 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। ओवर कुक हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर नूडल्स हमारे स्टिकी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, नूडल्स हमारा कुक हो चुका है। ये देखिए जब इस तरह आप खींचेंगे तो ये इस तरह से टूटेगा, तो समझ जाएं कि आपका नूडल्स रेडी है। अब इसे हम छान लेंगे और रनिंग वाटर से इसे धो लेंगे, और धोने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून तेल, और अच्छे से मिक्स करके इसे रखेंगे अभी हम साइड। और अब हम नूडल्स की कुकिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली हुई है, आप चाहें तो कोई भी पैन ले सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और 3 अंडे तोड़ के डाल देंगे, और 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच नमक, और इसे इस तरह से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और उसी पैन में अब डालेंगे हम वापस से 1 टेबल स्पून तेल, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को डालेंगे, और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अब इसकी लीड लगा देंगे, और लीड लगाकर इसे लो फ्लेम पे हम 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन हमारे हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। और 8 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे अब बाहर। और उसी कढ़ाई में डालेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल, और 1 टेबल स्पून डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, और इसे भून लेंगे हम 1 से 1.5 मिनट तक। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें डालेंगे प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हुई है, ये ग्रीन प्याज का वाइट हिस्सा है, जो वाइट पार्ट होता है, इसे भी फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। और अब इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्ची ली हुई है, आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और इसे भी 1.5 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे, इसका क्रंच हमें बनाए रखना है, ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, बस 1.5 से 2 मिनट ही इसे हम फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, और अंडे भी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स, और अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून विनेगर, और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें डार्क सोया सॉस, 2 टीस्पून डालेंगे रेड चिली सॉस, और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्ची का पाउडर, और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज के पत्ते, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखें कितने आसान तरीके से कितने परफेक्ट चिकन नूडल्स हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे रेसिपी को, अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त नूडल्स आप बनाकर घर पे ही रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको बाहर से लाने की या रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।